हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि असम में इस बार 3 मेडिकल कॉलेज इंक्रीज होने के बाद इस बार नीट 2023 में कितना कट ऑफ जाएगा, मतलब कट ऑफ पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि कट ऑफ ऐसा जाएगा वैसा जाएगा, बट मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा। सो इधर आप टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि असम टेक्स 60 ईयर्स टू गेट 4 मेडिकल कॉलेजेस बट 1 ईयर टू गेट 4 रनिंग। इन पिछले एक साल में असम में 4 नया मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ है, जैसे कि दुबड़ी और हमारा लखीमपुर हो गया, नुआगांव हो गया, नलबड़ी हो गया या फिर कुखराजर हो गया। तो नुआगांव, नलबड़ी एंड कुखराजर ये तीनों मेडिकल कॉलेज तो इस साल मतलब NMC ने नोट किया है, मतलब 2023 में ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा। सो दिस इज अ मैसिव इंक्रीज इन द नंबर ऑफ MBBS सीट्स इन द मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ असम। सो इसके बारे में मैं आज की इस वीडियो में सिर्फ ये बात करूंगा कि इस साल जो 300 MBBS सीट्स इंक्रीज हुआ है इसकी वजह से इस साल नीट 2023 में कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा। सो इस वीडियो में पूरी तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। सो यू कैन सी 2022 में क्या था, असम में लगभग 1200 MBBS सीट्स था, तो इस बार 2023 में 1500 MBBS सीट्स है, मतलब 1500 MBBS सीट्स काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करेगा, जिसमें 85% होगा स्टेट कोटा एंड 15% होगा AIQ। सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ नौगांव मेडिकल कॉलेज, देख सकते हैं NMC अप्रूव्स 100 MBBS सीट्स फॉर नौगांव मेडिकल कॉलेज। नौगांव मेडिकल कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी ब्यूटीफुल। हियर यू कैन सी द सिनेरियो ऑफ नौगांव मेडिकल कॉलेज, दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। नेक्स्ट दिस इज नौगांव, दिस इज NMC अप्रूव्स असम्स नलबड़ी मेडिकल कॉलेज टू स्टार्ट विथ 100 MBBS सीट्स इन 2023। सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ नलबड़ी मेडिकल कॉलेज, आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट दिस इज कुखराजर मेडिकल कॉलेज गेट्स नॉट टू स्टार्ट 2023 सेशन फॉर आफ्टर नीट 2023। ये देख सकते हैं कुखराजर मेडिकल कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, दैट इज हॉस्पिटल एंड दिस इज एंट्रेंस गेट। नाउ दिस 3 मेडिकल कॉलेजेस आप देख सकते हैं इस साल असम में काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करेगा। नाउ दिस इज फॉर ऑल इंडिया कोटा। नाउ ऑल इंडिया कोटा में क्या हुआ कि पिछले साल अराउंड 18,72,000 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड किया था, जिसमें से 17,64,000 स्टूडेंट अपियर्ड हुए, मतलब लगभग 1,00,000 से ज्यादा स्टूडेंट ने एग्जाम में अपियर ही नहीं किया हुआ। तो इस बार भी ऐसा ही होगा। इस बार मतलब अराउंड 21 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है, जिसमें से लगभग 20 लाख स्टूडेंट ही एग्जाम में अपियर करेंगे। तो पिछले बार क्या हुआ था कि असम में 9,93,600 स्टूडेंट ने क्वालिफाइड मार्क्स मतलब क्वालिफाइड हुए, मतलब उन्होंने क्वालिफाइड मार्क्स को ऑप्टेन किया है। तो ये आप देख सकते हैं लगभग 18 लाख से 9 लाख स्टूडेंट्स, सो अराउंड 9 लाख स्टूडेंट्स ने क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं कर पाए। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना था जनरल के लिए, लगभग 117 शायद था, 117 ऐसा कुछ था, तो उसको भी उन्होंने नहीं कर पाए। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम नीट के लिए रजिस्टर करते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि क्वालिफाई मार्क्स भी नहीं कर पाते। सो मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी के बारे में बात करूंगा। ऑल इंडिया में इस बार क्या होगा कि कट ऑफ विल स्लाइटली इंक्रीज, मतलब इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा, या तो +5 या फिर +2 to 3 मार्क्स इंक्रीज करेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस बार अप्लाई किया है और स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अभी अलग साल ने जितना बहुत सारा विद्यापीठ ओपन किया है या फिर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई हो रहा है, और बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट में या फिर कम पैसे से स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए मौका मिल रहा है। तो इससे क्या हुआ कि स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है नीट एग्जाम में अपियर होने के लिए। सो मैं ऑल इंडिया के बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ ये बोलूंगा कि या तो कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम रहेगा लास्ट ईयर की तरह, या फिर इससे ज्यादा इंक्रीज होगा, कम नहीं होगा, कट ऑफ कभी भी कम नहीं होगा, मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। सिर्फ +5 या फिर +2 to 3 मार्क्स इंक्रीज हो सकता है, या फिर ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ही रहेगा। तो इधर आप देख सकते हैं 300 सीट्स इंक्रीज इंपैक्ट ऑन कट ऑफ, ये इस वीडियो का मोटिव है। तो इस पर आप देख सकते हैं ये हो गया ऑल इंडिया के लिए, 18 लाख स्टूडेंट्स ने तुम्हारा रजिस्टर्ड लास्ट ईयर के 18 लाख से इस बार 21 लाख से ज्यादा है, और दिस इज अ मैसिव इंक्रीज। नाउ अगर ऑल इंडिया में इतने ज्यादा स्टूडेंट ने इंक्रीज हुआ है तो असम में भी लगभग 5,000 to 7,000 स्टूडेंट्स इंक्रीज होंगे, श्योरली इंक्रीज होंगे, मतलब रजिस्टर किया है। सो
अब देख सकते हैं फॉर आसाम में क्या होता है। आसाम में लास्ट ईयर 2022 में लगभग 33,143 स्टूडेंट्स ने नीट के लिए रजिस्टर किया है, मतलब अपियर हुआ है, उसमें से 17,027 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है। सो आप देख सकते हैं लगभग 14,000 से ज्यादा स्टूडेंट ने क्वालिफाइंग मार्क्स पिक नहीं कर पाए। इस साल कितने स्टूडेंट्स ने अपियर किया हुआ है वो अभी तक नहीं पता चला, तो मुझे लग रहा है अराउंड 7,000 स्टूडेंट्स इंक्रीज होंगे आसाम में, अराउंड 7 या फिर 5,000 तो अप्रोक्सीमेटली 5,000 होंगे जो आसाम में इंक्रीज हुआ है। अगर 3 लाख और पूरे भारत में 3 लाख स्टूडेंट्स इंक्रीज हुआ है तो आसाम में तो एटलीस्ट 5,000 इंक्रीज होंगे ना, तो अराउंड 38,000 स्टूडेंट्स इस बार आसाम में नीट देंगे। नाउ सिंस 300 MBBS सीट्स इंक्रीज, इट विल ऑलमोस्ट बैलेंस द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कैंडिडेट। ये सच है, अगर असम में 300 MBBS सीट्स इंक्रीज हो रहा है तो इससे क्या होगा कि जो कट ऑफ है या फिर जो मार्क्स इंक्रीज होना चाहिए था वो क्या होगा कि वो बैलेंस हो जाएगा, उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। और वैसे भी असम में कट ऑफ इतना ज्यादा राइज नहीं करता है, लगभग अराउंड 5 to 6 मार्क ही इंक्रीज करता है हर साल जनरल कैटेगरी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। स्टिल दिस ईयर फॉर जनरल कैटेगरी कट ऑफ विल नॉट डिक्रीज सो मच, ये सच है कट ऑफ डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा कि सेम ऑल इंडिया के बारे में जितने भी मैंने बताया था वही इधर भी होगा। असम में अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कोचिंग करने के लिए, जैसे कि असम में अभी PW भी आ गया इस और भी है, दिस इज अजमल सुपर 40 भी है, या फिर और भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, LN तो बहुत पहले से ही है, आकाश भी है, कॉन्सेप्ट भी है, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट असम में बहुत सारे है। तो इससे क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से अपॉर्चुनिटी मिल रहा है क्वालिटी एजुकेशन के लिए, एंड दिस इस ट्रेमेंडस इंक्रीजिंग कंपटीशन बिटवीन स्टूडेंट्स। तो सो फॉर जनरल कैटेगरी ऑलमोस्ट रिमेन सेम या फिर प्लस माइनस 5, माइनस तो मैं मतलब उतना श्योर नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट 5 मार्क्स तो इंक्रीज कर सकता है या फिर डिक्रीज तो करने के लिए मतलब चांसेस कम है, अगर डिक्रीज करता है तो या फिर 2 या 3 मार्क्स ही डिक्रीज करेगा, उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं करेगा। सो फॉर OBC ऑलमोस्ट 430 में बात करूंगा, OBC के मतलब OBC में फ्लक्चुएट होता रहता है, OBC का कैंडिडेट्स कब किस मतलब किसी साल बहुत सारे स्टूडेंट्स अपियर करते हैं या फिर किसी साल बहुत कम स्टूडेंट्स अपियर करते हैं। सो इससे क्या होता है कि OBC का जो मार्क्स है, जो रैंक है या फिर जो कट ऑफ मार्क्स है वो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। नाउ फॉर सेम SC ST एंड ST प्लेन, इनका भी कट ऑफ विल नॉट डिक्रीज, उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं करेगा, इट माइट इंक्रीज और ऑलमोस्ट रिमेन सेम, ये होगा मतलब उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा, स्लाइटली इंक्रीज और रिमेन सेम एज लास्ट ईयर। Why? Now, इन कैटेगरी का कट ऑफ क्यों डिक्रीज नहीं हो सकता है? बिकॉज कैंडिडेट्स ऑफ दिस कैटेगरीज आर इंक्रीजिंग ड्यू टू मोर अपॉर्चुनिटी ऑफ कोचिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ये सच है क्योंकि असम में जितने भी SC या फिर ST हिल्स या फिर ST प्लेन कैंडिडेट्स है उनको अभी अच्छी तरीके से पढ़ाई करने के लिए मौका मिल रहा है और इसकी वजह से कैंडिडेट्स भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसी की वजह से लास्ट ईयर क्या होता है कि SC का कट ऑफ बहुत ही ज्यादा OBC से ज्यादा गया था, OBC से ज्यादा गया था SC का कट ऑफ, तो आप मान सकते हैं कि SC ST हिल्स या फिर ST प्लेन का कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम रहेगा या फिर थोड़ा सा इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा, अराउंड 450 मान सकते हैं SC और ST प्लेन 380 और ST हिल्स 270 प्लस ही रहेगा। तो ये अब ऐसे सेफ स्कोर भी आप मान सकते हैं, आपको अगर आपने इसके आसपास मार्क्स कर लिया तो आपको एटलीस्ट मेडिकल कॉलेज या फिर मेडिकल रिलेटेड किसी भी फील्ड में आपको मिल जाएगा सेफ। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज की इस वीडियो में सिर्फ ये बोलने के लिए मतलब इस वीडियो को बना रहा हूँ कि आसाम में 300 MBBS सीट्स इंक्रीज होने पर कट ऑफ पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी सोच रहे हैं कि आसाम में तो इतना ज्यादा सीट्स इंक्रीज हो गया तो कट ऑफ क्या होगा, 10 से 15 मार्क्स डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा क्योंकि 300 सीट्स डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 300 सीट्स में 15% सीट्स ऑल इंडिया में चला जाता है, उसके बाद सेंट्रल पूल में भी सीट जाएगा, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट कोटा में भी सीट जाएगा, तो स्टेट कोटा में लगभग 200 सीट्स ही रहता है, ऑलमोस्ट 100 सीट्स तो चला जाता है, उसमें से भी जनरल में जाता है, OBC में सीट्स कुछ जाता है, SC ST ST हिल्स ST प्लेन इन सब में डिवाइड हो जाता है। तो इसकी वजह से कट ऑफ मतलब इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लास्टली थैंक यू सो मच, अगर आपको मैंने जो जितना भी बताया वो आपको पसंद आया है तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक एंड शेयर कर देना, एंड फाइनली स्टे मोटिवेटेड एंड फोकस, 7th मई विल बी योर डे। तो अभी बहुत सारे समय है, मतलब समय तो बहुत ही कम है, लगभग अराउंड 20 डेज बचा है, 20 टू 23 डेज बचा है, तो आपको अभी मोटिवेटेड रहना है, फोकस रहना है, कंसंट्रेटेड रहना है, आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि मेरा इस साल सिलेक्शन हो जाएगा। और अभी डिस्ट्रक्शन तो कुछ भी आपको मतलब नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रक्शन आपको बिल्कुल फ्री ऑफ डिस्ट्रक्शन होना चाहिए और तभी आपको पढ़ाई में मन लगेगा। सिर्फ अगर अभी आपका सिर्फ ये एक ही काम है, सिर्फ पढ़ाई करना, आप रिवाइज करो,
सिलेबस को कंप्लीट करो, मतलब सिलेबस अगर आपका बचा है तो उसको कंप्लीट करो, टेस्ट दो एंड एनालाइज करो उसको। ये चार काम आपका होना चाहिए। और एक और चीज मैं बोल देता हूँ, अगर आपका टाइम है तो आप PYT भी कर सकते हैं। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब आपको, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ 2016 से 2022 कर सकते हैं, उतना ज़्यादा करने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सो विद दिस लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो हेयर। थैंक यू एवरी वन एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज।